हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज आप सोच रहे होंगे कि हम बच्चों वाला ना ट्रेन खेल रहे हैं, जिब्राइल मेरे आगे, मैं जिब्राइल के पीछे, हमारे आगे एक और। नहीं जनाब, कोई ट्रेन नहीं हो रहा। आज है जनाब जी शावर डे बच्चों का। और आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि गुल, आप अपने बच्चों के बालों के लिए क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं? वो केड़ा ऑयल है, आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को। या दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड, आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को। वो हम लोग हमेशा यूज करते हैं। तो आप लोगों को फिर भी होता है कि और बताएं आप क्या करते हैं। तो जनाब, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। मैंने बच्चों को कुछ ऑनेस्टली बताऊं, कभी मैंने हेयर मास्क वगैरह नहीं लगाए, कुछ कभी इनको कोई ऐसे ट्रीटमेंट्स वगैरह नहीं करवाए। अल्हम्दुलिल्लाह जीन्स में इनको अच्छे बाल मिले हैं, मेरे बाल अच्छे हैं तो ऑटोमेटिकली इनको अच्छे मिले हैं। उसके अलावा ये होता है कि वीक में मेरी बेटियाँ 3 टाइम्स हेड वॉश करती हैं, शॉवर लेती हैं, और बेटे ऑलमोस्ट रोज़ लेते हैं। दिजाना तो रोज़ लेता है, मिकाइल कभी कभी एक आध दिन स्किप भी कर लेता है। तो अभी ये होता है कि जब वीकेंड आ रहा होता है, जब शॉवर डे होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको बोलूं कि आप लोग ऐसा करो कि मेरे से ना तेल लगवा लो सर में, अच्छा सा ऑयल लगा लो। वो इसलिए नहीं कि हमने ओवरनाइट रखना, नहीं ओवरनाइट नहीं रखना। बस जिब्राइल, कितने में शॉवर लेना है तुम? आई एम गोना टेक इट इन लाइक एन आवर टू, लाइक 2-3 घंटे के लिए। अगर आप बालों में तेल लगा के रख लेते हैं तो वो तेल जो है ना, वो अपना काम कर देता है। वो आपको ओवरनाइट अपने पिलोस को गंदा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन दजाना चूँकि वो रात में आता है अक्सर यूनिवर्सिटी से या जॉब से, तो उसको मैं रात में उसकी चम्पी करती हूँ, फिर उसके बाद वो सो जाता है, फिर वो सुबह उठ के करता है। उसका पिलो जो है ना, वो बड़ा ग्रीसी सा होता है। ऑल दो आप टॉवल रखें तो उसको वो फीलिंग अच्छी नहीं लगती। तो मैं भी क्या करती हूँ, बार बार। तो जनाब, अभी हम लोग करने लगे, चम्पी हमारा डे है, तो चम्पी डे के लिए हमने अभी लिया जी कोकोनट ऑयल। आप कोई भी ऑयल, जो भी आप लोग घर में लगाते हैं, आप वो लगा लें और उससे अच्छे से बच्चों के बालों की ना चम्पी कर दें। तो ये मेरी अब रूटीन कुछ अरसे से मैंने ये रखी है कि बारी बारी सबको बुलाती हूँ। आज बेब्रस पे लगवाना कि नहीं? जिब्रा थोड़ा आगे हो क्या? बेब्रस का शॉवर डे नहीं है? इट इज, अच्छा बेबू कह रही है बेब्रस का भी शॉवर डे है। नो, इजंट शी शॉवरिंग टुमारो बिकॉज़ टुमारो इज अ डे ऑफ, शी वांट्स हर हेयर टू बी नाइस। हां बिल्कुल। तो ऐसे बस लें आप ऑयल, जो भी आपने सरसों का तेल लेना है, आपने कोकोनट ऑयल लेना है, कुछ लोग जैतून का तेल लगाते हैं, जो भी आपको ऑयल मिले ना, बस उससे। मैं पहले तो यूँ करूँगी, इसको इवनली मैं ना स्प्रेड करती हूँ बालों में, क्योंकि मुझे ये लगता है कि पता है, कोई भी चीज़ अगर आप ओवरडू कर देते हैं ना, तो ओवरडू नहीं करनी चाहिए। उसको एक मुनासिब मिकदार में, बेशक वो आप बालों की केयर कर रहे हैं, स्किन की केयर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मुनासिब मिकदार में उसका होना जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा भी कर लेना तो वो काम खराब ही करती है। जी बुतरी, that smells like those coconut dates we made on Eid. Eid मिलाद-उन-नबी? Yeah. It's coming up soon. Yeah. Eid मिलाद-उन-नबी पे ऐसी dates बनाई हैं कि रमजान ने dates बनाई हैं? No, it was Eid मिलाद-उन-नबी. Eid मिलाद-उन-नबी. Okay, हाँ जी, हमने वो dates बनाई थी। और ये मैं दजाना को लगाया था, कहता अम्मा ये तो ना बाउंटी चॉकलेट की खुशबू लग रही है मुझे। तो बस कोई भी अच्छा सा ऑयल ले लें, जरूरी नहीं है कि जो मैं लगा रही हूँ। हमारे बचपन की यादें हैं। मेरी अम्मी सारी जिंदगी हमारे सर में ना यही लगाती थी। हम लोगों ने हमेशा कोकोनट ऑयल लगाया। अगर अम्मी मेरा व्लॉग देखेंगी तो अम्मी को याद आ जाएगा। और फिर क्या करते थे कि विंटर में हम लोग, हमारे घरों में हम लोग अक्सर छत पे बैठा करते थे धूप में। तो वो धूप में हम बैठते थे, तो मेरी अम्मी बॉटल रख देती थी धूप में, तो वो सारा मेल्ट हो जाता था। फिर उसके बाद हमारे सर में मालिशें होती थी, और मेरी अम्मी किया करती थी हमें। नहीं बेटा, सन दे विच रखो ना। But aren't you saying it was in the winter? Winter दे विच सन नहीं होता। पाकिस्तान में तो सन होता है, इतने ज्यादा सन नहीं होते यार। पाकिस्तान दे विच जिते असीं रहिंदे ऐसे ना, उत्थे ठीक ठाक ठीक धुप निकलदी है, सनी डे हुंदा है, तो सन दी वजह तो ना सारा काम ठीक है। नहीं सर, जिथे द पार्ट असीं रहिंदे ऐसे ना पाकिस्तान में, उत्थे स्नो नहीं हुंदी। वाह बाकी लकी आ, बट उतो दा विंटर होई बड़ा हार्श होंदा है, क्योंकि उत्थे ज्यादा जिहड़े घर होंदे ना, दे आर नॉट हीटेड, सेंट्रली हीटेड, सो इट्स नॉट इजी। मुझे याद है सर्दियों में नहाना, फिर बालों को सुखाना, लंबे बाल होते थे ना, तो वो एक बिल्कुल एक ना अजाब लगता था। लाइक वुड योर हेयर गेट लाइक ऑल क्रिस्पी इन द विंटर? नहीं क्रिस्पी तो ना होंदा, लेकिन असि की करदे सी शॉवर लेके उस तो बाद असि कंफर्टर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੇ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। तो बच्चों को ना, बच्चे हमारे बच्चे उन चीज़ों से ना कभी रिलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको उस चीज़ का पता ही नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी थोड़ी बातें बच्चों को बताते हैं, उनको कल्चर का पता चले, अपनी फैमिली का पता चले, हम कैसे ग्रो अप हुए उनको वो पता चले। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना मैं बच्चों को कोशिश करती हूँ कि उनको थोड़ा थोड़ा बताऊँ। तो ये चम्पी का ना थोड़ा ये भी फ़ायदा होता है कि थोड़ा आपको ना बड़ा मज़ा आता है। मैं बेजारा की ना फर्स्ट टाइम चम्पी तो मुझे कहता है, अम्मा आपने कहाँ से सीखी इतनी अच्छी चम्पी करना? मैंने कहा बेटा सारी जिंदगी हमने चम्पियाँ करवाई भी हैं और की भी हैं। My neck feels like it's bending back to the 1920s. Is this what you get? मैं ना दजाना के बाबा ने अपना हेड शेव कर दिया। वो दजाना के बाबा के हेड शेव किए कितना अरसा हो गया, साल हो गया जब रहे। It's been 2 years. No, 2 years. Yeah. Last July we get that, Baba. Oh yeah, it was last July on Katie's when Janabai came home. We scared Janabai with a bald man. तो दजाना के बाबा ने अब तो अपना हेड शेव कर दिया हुआ, तो अब वो उनके बाल है ही नहीं, तो अब चम्पी क्या करवाएंगे। लेकिन देयर वाज टाइम जब मैं ना उनको बोलती थी क्या है मैं आपके बालों की चम्पी कर दूँ, तो कहते थे नहीं मुझे नहीं करवानी चम्पी, रहने दो। उनको कोई शौक नहीं था। और मैं तो तैयार हूँ, मुझे कोई चम्पी की ऑफर कर दे। आपको पता ना जो मैं मसाजेस पे भी जाती हूँ ना वीकली बाई वीकली बेसिस पे, तो उसके पीछे ये बहुत रीज़न है कि मुझे बचपन से मालिश करवाना दबाना मुझे बहुत पसंद है। कुछ लोग होते हैं ना वो कहते हैं मेरे पैरों को हाथ ना लगाओ, मेरे सर को हाथ ना लगाओ, लेकिन हाँ मेरे अक्सर पैरों को करती है ना। तो बस मेरा तो दिल करता है कि मुझे कोई मसाज वगैरह दे। मिकाईल चम्पी करवानी है, मिकाईल चम्पी हेड मसाज। बस उसको भी उससे मजा आया। चल जिब्राइल अपना कंगा लेके आवे मिकाईल। He doesn't have his own comb, she uses Janabai's remote. हाँ तो दो शेयर कर देना, बॉयज शेयर कर देना, थोड़े सेपरेट एंड कंगे। Bring Janabai's comb now. चलो जी ये देखें माशाल्लाह, और ये देखें माशाल्लाह इतने हेल्दी। My hair is very thick. और अब पता पहले मैं इसके बालों को ना मैं ट्रिमिंग करती थी, अब मुझे ट्रिमिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। माशाल्लाह इतने अच्छे हो गए इसके बाल। I don't like trimming my hair. There's this one girl in my class, she has longer hair than me. She's my competition. And what is it? Everyone says how India to nahi girl. No, she's Filipino and her like she has to like tie up the bottom of her hair cuz it gets too long. Huh? She like puts her hair in a ponytail and then ties it up again at the end. Aaj Mikael ki bari hai. Yalla Jibril beta main baal hai garbage ka. Thank you. तो अभी ये वो दोनों गए होंगे बाय जॉब्स पे अपनी अपनी, जब वो आएंगे फिर उनकी बारी आएगी। आजा Mikael। चलो जी अब Mikael आ गया। हेलो तो कहले सलाम तो अस्सलाम वालेकुम। तेन कैसा लगता है चम्पी? I think it's good. It's good. Do you like the part जिल्ले मैं तेन मसाज करती हैं और you like the part तेरे सिर ते ऑयल लग जाना जिल्ले? You don't like that smell, Mikael? No, I don't hate it. It's just that smelling it so long. For like so much hours and a. नहीं तो ज़्यादा ना करो ना, बस 2-3 hours में shower ले लेनी, okay? Yeah, take a shower after me. I want to shower first. I showered yesterday. दोबारा लो ना। तो ये है जी हमारा रूटीन। सब लोग पूछते हैं तो मैंने कहा चले आज अच्छा मौके आपको जरा दिखाते हैं। चम्पी डे हो रहा है हमारा, आप लोग देखें ऐसे हम लोग करते हैं। Actually, can I just shower after we're done this, or does it have to have time? 1 hour at least. Okay. Jimbo, do you think I could shower first because I go faster? I've been trying to shower since the morning. लेकिन उन्हें ऑयल लगाया ना 1 hour तक रखना है मिनिमम। But I should go first because I think I go faster. चलें भाई यहाँ पे हो रही है अब डील्स बन रही है कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा। अब ये इनको करूँगी, उसके बाद जब वो बड़े आ जाएंगे खैर से अपनी अपने जॉब से तो फिर उनकी बारी है। I'll shower at 3:20. अच्छा पूरा 1 घंटे का ना और इज 2:20 यू हैव योर वॉच। अच्छा भाई मैं कह रही हूँ कैसे सही शार्प 1 घंटे का टाइम दे रहा है। चलें जी ये मेरे बच्चों की होगी चम्पी डन। हाय ये देखिए जरा मेरे हाथ कितने सॉफ्ट हो गए हैं, पता नहीं आपको नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। बेटा ऑयल है ना So it just helps your nails? हाँ, soft हो जाते हैं ना तो ये moisturize हो जाते हैं। ये देख निकाल, नजर नहीं आता पे। And with that lotion that you gave me, जी, so nice. चलो ये ना भाई ये देख रहे मिसाइल को भी इसकी चम्पी होगी डाल अब ये रखेगा 1 आवर और उसके बाद ये भी ना नहा लेगा और हमारा चम्पी डे हो जाएगा आज का डन। अब 2 बच्चे रह गए हैं, जब वो वापस आएंगे तो इंशाल्लाह उनको भी हम मसाज करेंगे। दजाना को तो बड़ा ही मजा आया, दजाना है वो जरा मेरे पे गया, उसको अच्छे लगते हैं। मिगेल यू डोंट लाइक मसाज? आई लाइक द मसाज, द हेयर, द ऑयली हेयर कैन बी ट्रिकी, स्टिकी स्टिकी। I don't like oil. अच्छा एक चीज है ये वाला जो है ना कोकोनट ऑयल लगाएंगे अगर आप, या अगर आप लगा लेंगे कोई भी ऑयल, सरसों का तेल लगाएं या आप लगा लें जैतून का तेल, इसमें स्टिकीनेस आती है आपके बालों में। लेकिन जो वो मैं लगाती हूँ ना आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को, उसका कोई स्टिकीनेस नहीं आती। जिब्राइल शॉवर लेने के बाद भी वो लगाती है, राइट आफ्टर शॉवर लेने के बाद। जिब्राइल am I right? Right after I dry my hair a little bit and then I put it on. वो बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों को ये स्टिकी नहीं चाहिए, आपको ये शाइन खुशबू नहीं चाहिए तो बहुत अच्छा है, वो ट्राई कीजिएगा। उस पर मैंने बहुत सारे ब्लॉग बनाए हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। मैं यूज़ करती हूँ, दजाना के बाबा यूज़ करते थे, जिब्राइल यूज़ करती है, बैबस यूज़ करती है, लेकिन मेरे 2 बच्चे नहीं यूज़ करते। तो चले जनाब ये था जी हमारा आज का चम्पी डे, हमने सोचा आपके साथ शेयर कर लें। उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ये बच्चों का हेयर डे जो है आपको उनकी केयर कैसे हम करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी शैम्पू आप ले लें, हमारे घर में मोस्टली आजकल डव का शैम्पू, डव शैम्पू यूज हो रहा है, उनकी खुशबू उनको बहुत अच्छी लगती है। तो कोई भी अच्छे वाला शैम्पू, लेकिन आपको बार बार बहुत ज्यादा स्विच करने की जरूरत नहीं है। कोई अच्छा सा शैम्पू ले लें, यूज करें, बच्चों की केयर करें, बहुत ज्यादा केमिकल्स ना लगाएं, बच्चों को डाई ना करने दें, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स ना करें, तो आपके बाल हमेशा ठीक रहेंगे। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं हमारी बिल्कुल रेगुलर जो है घर में यूज होती हैं, क्योंकि हम लोग भी वो कहते हैं ना कि आप एक माँ से सवाल करेंगे तो वो माँ अपने हिसाब से आपको जवाब देगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के बाल बहुत अच्छे हैं, हेल्दी बाल हैं और ज़बरदस्त बाल हैं इनके। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये आज का रूटीन चम्पी डे, हेड का वो जो क्लीनिंग डे कह लें या हेड केयर डे आप कह लें, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पर मुझसे मिलने। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर जी।